हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना गाजर का हलवा। देखिए, मैं जो गाजर का हलवा है कैसे बनाती हूँ। देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुका है और मैंने इसमें घी जो है डाल दिया है। ये जमा हुआ था तो मैंने उसको पिघलने के लिए डाल दिया। ये पिघल चुका है और हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी गाजर। ये गाजर जो है हमने 3 किलो गाजर लिया है, इसको घिस के रख रखा है हमने। और अब जो है हम इस गाजर को इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। देखिए, हम जो है इस गाजर को इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर। देखिए गाइस, हमने जो है गाजर को इसके अंदर डाल दिया है। अब हम थोड़ी देर इसको घी के अंदर भूनेंगे। ठीक है, थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। देखिए गाइस, हमने इसको जो है 10 मिनट भून लिया है घी डाल के। अब जो है हम लोग इसके अंदर दूध ऐड करने वाले हैं। मैंने इधर आधा किलो जो है दूध ले रखा है। ठीक है, ये दूध है, इसको मैंने अच्छे से पका लिया था दूध को पहले। अब मैं डालूंगी इसके अंदर शक्कर। देखिए, मैंने 1 कटोरी चीनी ये ले रखी है। अब मैं इसके अंदर 1.5 कटोरी चीनी डालूंगी। 1 कटोरी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और ये रहा 1/2 कटोरी। इसको आराम से पकने देंगे। आइए गाइस, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये कितना हुआ है, इसको कितना हुआ है? ये पक रहा है अभी। अभी ये जो पानी जो है इसे हमें पूरा सुखाना है। अभी काफी टाइम लगेगा हमें। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये सारा जो पानी जो है ये हमें इसका सुखा देना है। अब मैं इसके अंदर जो है ये इलायची डालूंगी। ये मैंने इलायची को कूट लिया था। आप चाहे तो इलायची कूट के डाल लें या फिर इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा घी, क्योंकि मैंने पहले घी का जो है यूज कम किया था। और इधर मैंने जो है ड्राई फ्रूट को कूट लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अब इसके बाद जो है हम लोग मावा ऐड करेंगे इसके अंदर। हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है, आइए मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ।
देखिए इसका कलर, देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया है बनने के बाद। और ये बिल्कुल दानेदार हो गया है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है मावा ऐड किया था। अगर आप चाहे तो बिना मावा के भी बना सकते हैं। ये हमारा जो है गाजर का हलवा रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ट्राई करें इसे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।